हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वीडियो नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंसेक्टिवोरियस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। बच्चों, आप लोग सुन के तो सरप्राइज हो गए होंगे। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। उस तरह के प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। यानी दोज प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इनमें आता है वेनस फ्लाईट्राइप होता है, ये वेनस फ्लाईट्राइप हो गया, ये पीचर प्लांट हो गया। ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, खा लेते हैं। अब हम लोग पीचर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। पीचर प्लांट का जो लीफ होता है बच्चों, वो मॉडिफाई हो जाता है पीचर की तरह, यानी एक घड़े की तरह मॉडिफाई हो जाता है। और इसका ब्राइट कलर जो होता है वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ब्राइट कलर जो होता है, जैसे फ्लावर का हम लोग पढ़े, ब्राइट कलर जो होता है पॉलिनेशन करवाता है फ्लावर्स में, वैसे इसका ब्राइट कलर जो होता है इंसेक्ट्स को लगता है कि ये कोई फ्रूट्स है और इनके पास आ जाते हैं। और इसके अंदर जो है, इस पीचर के अंदर जो है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ने के काम में आते हैं। इनसाइड द पीचर दे आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दीज हेयर डायरेक्ट द ट्रैप इंसेक्ट डाउनवर्ड, और इससे जो इंसेक्ट यहाँ पे पकड़ा जाएगा वो डाउनवर्ड चला जाएगा। ये हेयर जो है पुश करते हैं इनको डाउनवर्ड की ओर। अब इस तरह से होता है, व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स इन द पीचर ऑफ द प्लांट द लीड क्लोजेज। ये जो है लीड होता है, इसका ढक्कन होता है, लीड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप इन साइड द पीचर, और पीचर के अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाई द इंजाइम सिक्रीटेड बाई द सेल ऑफ द प्लांट। ये पीचर के अंदर जो प्लांट के सेल होते हैं वो इंजाइम्स रिलीज करते हैं, और इस इंजाइम्स के मदद से क्या होता है बच्चों, इस इंजाइम्स के मदद से जो है ये प्लांट जो है अपने इंसेक्ट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ये इंजाइम्स है, ये इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होता है, वैसे केमिकल्स को कहते हैं, केमिकल्स को कहते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद करता है, यानी हेल्प से डाइजेशन ऑफ फूड। कॉज ऑफ ईटिंग इंसेक्ट बाय द प्लांट, आखिर प्लांट इंसेक्ट क्यों खाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं वो मार्शी लैंड पे पाए जाते हैं। कैसे लैंड पे, मार्शी, जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। व्हाई नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द प्लांट, फॉर देयर ग्रोथ। जैसे हमें प्रोटीन चाहिए हमारे सेल को बनाने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, वैसे ही प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। द प्लांट लिविंग इन द मार्शी एरिया डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल। और जो मार्शी लैंड में जो है प्लांट रहते हैं उनको जो है सॉयल में जो नाइट्रोजन मिलता नहीं है, तो वो अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हैं, बाय शकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के जूसों को सक करके। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ऑल द प्लांट विच फुलफिल इट्स नाइट्रोजन नीड्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। वैसे प्लांट्स जो अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट जो है पूरा कैसे करते हैं, बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, उनको हम लोग इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट का कुछ एग्जांपल, पीचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वोर्ट हो गया, डॉर्सिला हो गया, रेफ्लेशिया हो गया, ये सारे जो है पीचर प्लांट, ये सारे इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। व्हाई डज अ प्लांट ईट इंसेक्ट्स, अभी हम लोग बात किए प्लांट इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ पीचर प्लांट, पीचर प्लांट के बारे में एक छोटा सा नोट लिखे।
इन पीचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इन टू पीचर. पीचर प्लांट में क्या होता है, लीफ पीचर में मॉडिफाइड हो जाता है. पीचर इज कम्प्लीट विथ अ लीड, और पीचर के ऊपर क्या रहता है, एक लीड यानी ढक्कन होता है. द इनसाइड ऑफ द पीचर इज फुल ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और पीचर के अंदर जो है घड़े के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. द पीचर यूज टू ट्रैप इंसेक्ट्स विद मे फॉल इन, और जो इसके अंदर आ जाता है वो हेयर्स के मदद से उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं. अब हम लोग सेप्रोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे. सेप्रोट्रॉप्स कैसे प्लांट्स होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये अपना फूड जो है डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से जो है लेते हैं. दे ग्रो ऑन द डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज काउ डंग, वुड, ब्रेड एक्सेट्रा. आप लोग देखे होंगे जब एक स्लाइस ऑफ ब्रेड कुछ दिन अगर छोड़ देते हैं तो उस पर ब्लैक ब्लैक जो है स्पॉट की तरह हो जाता है, तो उस पर एक सेप्रोफाइटिक प्लांट यानी राइजोपस ब्रेड मॉल्ड जिसको कहते हैं वो ग्रो कर जाता है. काउडंग में हम लोग गांव वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे काउडंग के ऊपर जो है मशरूम का ग्रोथ होने लगता है. जो वुड पुराना वुड होता है जो सड़ने लगता है उस पर भी एक अलग ग्रोथ होता है. तो वो सारे कैसे प्लांट्स हैं, वो सारे सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स हैं. अब ये मशरूम हो गया, ब्रेड के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे राइजोपस, और जो है राइजोपस एक तरह का फंगी है, ये सारे जो है हमारे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं जो डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं. अब सेप्रोफाइट्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, यानी फूड को लेता कैसे है. एक सेप्रोफाइट क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके मदद से डाइजेशन होता है, वो अपने रूट्स के थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर यानी प्लांट और एनिमल का जो भी रिमेन होता है उस पे डाल देता है, उस ऑर्गेनिक मैटर पे. उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर पे जब ये चला जाता है तो बाहर ही जो है एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, यानी बाहर डाइजेस्ट होगा, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. अब जब डाइजेशन हो जाता है बाहर तो केवल प्लांट क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है, यानी इनके बॉडी में फूड इंटर नहीं करता है, ये बॉडी के बाहर ही डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और उसके बाद जो है फूड इंटर करेगा यानी न्यूट्रिएंट्स इंटर करेगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जो बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चन देखते हैं. What do you understand by saprophytes? Saprophytes मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं और जिनके डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो होते हैं वो फूड पे जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. Saprophytes grow in which type of places? कैसे places में saprophytes grow करेंगे, hot and humid conditions में. कुछ एग्जांपल्स मशरूम, ये टोडस्टूल एक्सेट्रा, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं. अब हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे. ये डायग्राम से हम लोग समझते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन क्या. इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं. ये जो बफेलो है इसके पीठ पे छोटे छोटे बग्स हैं जिनको हम लोग ढील कहते हैं, और ये क्रेन क्या कर रहा है, इन बग्स को खा रहा है. तो इससे दोनों को फायदा हो रहा है. ये जो बफेलो है नाउ इट इज फ्री फ्रॉम बग्स, और इसको जो है क्या मिल जा रहा है, फूड मिल जा रहा है. यानी दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, इस तरह के रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं चाहे म्यूचुअलिज्म कहते हैं. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है सिम्बायोन. सिम्बायोन का मतलब क्या होता है, टूगेदर एक साथ. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ क्लोज एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड. एक ऐसा क्लोज एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है,
दोनों ऑर्गेनिज्म अपने नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, उस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, चाहे सिम्बायोसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, इसके रूट्स हैं यहाँ, और इनके रूट्स पे जो है ये सारे जो है मशरूम ग्रो किए कर रहे हैं। तो इससे दो फायदा होता है, मशरूम क्या करता है, इनको वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, यानी वाटर रिटेंशन मतलब इसको पानी सूखने में मदद करता है, और मशरूम को क्या होता है, फूड मिल जाता है। करेगी सम एल्गी एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। ये जो है जो मशरूम है वो ट्री से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं और शेल्टर ले रहे हैं, प्लस शेल्टर रहने के लिए जगह ले रहे हैं। इन टर्न ऑफ दे हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर इफिशियंटली, और इसके मदद से प्लांट को क्या मिल रहा है, मोर इफिशियंटली जो है वो वाटर को ले पा रहे हैं। ऐसे समझे जैसे चापाकल से हम लोग पानी भरते हैं तो कुछ समय लगता है, लेकिन वहीं जो हम लोग मोटर ऑन कर लेंगे, समरसेबल ऑन कर लेंगे तो जल्दी भर जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब मशरूम इनके रूट्स पे आ जाते हैं तो वाटर को लेने में, एब्जॉर्प्शन में प्लांट को फायदा होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। अब हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक लिविंग पार्टनरशिप है। ये किसके किसके बीच का लिविंग पार्टनरशिप है, हम लोग जानते हैं कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है दो ऑर्गेनिज्म्स के बीच में होता है। लाइकेन भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये फंगस और एल्गी के बीच का रिलेशनशिप है। फंगस जो है नॉन ग्रीन प्लांट होता है, लेकिन इसके पास रूट्स होते हैं, तो फंगस क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी को क्या देता है बच्चों, वाटर और शेल्टर देता है, और एल्गी इसके बिहाफ में क्या देता है, एल्गी प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, ऐसे समझे। मान लेते हैं कि ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, इसके पास रूट्स है और इसके ऊपर एक एल्गी आ गया, ये एल्गी है। एल्गी ग्रीन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ये जो फंगस है ये क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स जो है एल्गी को देगा, और एल्गी उनके बॉडी पे है तो उसको शेल्टर भी दे रहा है, और इसके इंटर्न में जो है, रिटर्न में जो है एल्गी क्या करेगा, एल्गी इनको फूड देगा। इस तरह का रिलेशनशिप होता है। फिर से समझेंगे, एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करेगा और फंगस को देगा, इंटर्न ऑफ दैट फंगस क्या करेगा, एल्गी को शेल्टर देगा और वाटर और मिनरल्स देगा। ऐसे समझे, दो दोस्त है, एक दोस्त के पास पैसा नहीं है लेकिन वो खाना बनाना जानता है, और दूसरे दोस्त के पास पैसा है, तो ये इसको पैसा देगा, ये फूड प्रिपेयर करेगा और इंटर्न ऑफ दैट ये इसको फूड देगा, तो इससे दोनों की फायदे हो जाएंगे। अब राइजोबियम और लिग्नोस प्लांट के बीच का रिलेशन, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, क्लियर है, वो रूट नोड्स में, ये क्या है बच्चों, ये लिग्नोस प्लांट का रूट नोड है, इसी रूट नोड में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ये नाइट्रोजन को जो है यूजेबल फॉर्म में बदल देता है, वैसे फॉर्म में बदल देता है जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को वो ले सके प्लांट। नहीं क्लियर हो गया, जैसे चावल है बच्चों, चावल कच्चे तो आप लोग खा नहीं सकते, उसको पकाना पड़ेगा, पक जाएगा तो वो चावल उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आप उसको खा सकते हो। तो उसी तरह से जो राइजोबियम होता है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उस फॉर्म में ले आता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले सके, और इंटर्न ऑफ दैट अब कहोगे कि राइजोबियम प्लांट को क्या दिया, तो राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन दिया, प्लांट के नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, और इसके बदले प्लांट क्या देगा, प्लांट जो उसको रहने के लिए जो शेल्टर दिया, क्योंकि वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट नोड में रहता है शेल्टर, और इसके बदले उसको फूड देगा।
तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया और लिंगुअस प्लांट में भी होता है। अब बच्चों कहोगे कि लिंगुअस प्लांट कौन से होते हैं, तो जितने दाल वाले प्लांट हैं, पी हो गया, ग्राम हो गया, जितने भी दाल वाले प्लांट हैं वो सारे जो है लिंगुअस प्लांट के कंडीशन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल। जब एक पौधा जो है सॉइल में उगाया जाता है, एक पौधा जो है सॉइल में उगता है, तो ये सॉइल का सारा मिनरल्स ले लेता है, तो सॉइल में मिनरल्स की कमी होने लगती है, तो कैसे जो है मिनरल्स को रिप्लेनिश यानी फिर से सॉइल में डाला जाता है, तो इसका दो तरीका है। पहला क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर नहीं तो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। आप लोग खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइजर छींटते हुए देखे होंगे, जैसे ये किसान छींट रहा है फर्टिलाइजर। और दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा लिंगुअस प्लांट है। अगर हम लिंगुअस प्लांट को ग्रो कर देते हैं सॉइल में, तो वो ऑटोमेटिक जो है उसके राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में जो है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। अब जो है फॉरेस्ट में जो है कोई तो खाद छींटने नहीं जाता होगा फर्टिलाइजर, लेकिन तो भी तो प्लांट वहां ग्रो करते हैं, तो वहां ग्रो कैसे करते हैं, वहां पे कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करता है, वहां डिकम्पोजिशन होता है। जो प्लांट के लीव्स होते हैं, एनिमल्स के बॉडी के रिमेन्स होते हैं, एनिमल और प्लांट के बॉडी के रिमेन्स, वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल में चला जाता है। अब हम लोग रिप्लेनिश में देखें कि बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम रिप्लेनिश करता है, मैन्योर के मदद से रिप्लेनिश होता है, फर्टिलाइजर सॉइल में जाता है रिप्लेनिश करता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स और एनिमल का। इस तरीके से जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं ऐड टू द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चों ऐड होते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। What is the meaning of word symbiosis? It is a relation between two organisms in which both the organisms benefit each other. ऐसा relation दो organisms के बीच में जिसमें दोनों को benefit मिले। Like in क्या है? एक symbiotic relationship है algae और fungi के बीच में। अब इस diagram में आप लोग देखेंगे, give an example of symbiotic relationship. A small bird called plover क्लीन द क्रोकोडाइल्स टीथ। ये जो एक बर्ड है प्लोवर, आप लोगों को लग रहा हो क्रोकोडाइल जो है वो बर्ड को खा रहा है, नहीं वो अपना मुंह खोल गया ऐसे ही बैठा। ये बर्ड क्या करती है, क्रोकोडाइल के दांत में जो मीट वगैरह फंसा रहता है उसको निकाल के खा लेती है, तो इससे दोनों को फायदा होता है। क्रोकोडाइल के दांत साफ हो गया, डेंटिस्ट का काम ये कर दी, और इसको क्या हो गया, फूड मिल गया। हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश इन द सॉइल, इसका चार तरीका होता है। पहला मैन्योर, फर्टिलाइजर, लिंगुअस प्लांट्स चाहे राइजोबियम कह सकते हैं, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाट इज राइजोबियम, राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, सॉइल में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। How does rhizobium help the farmer? Rhizobium क्या करता है? Nitrogen fix करता है, तो soil की fertility increase हो जाती है, और ये farmer के लिए क्या है? Benefit है, उसका खेत से और ज्यादा उपज होगा। Why do farmer prefer to show lignous plant? Farmer जो lignous plant क्यों prefer करते हैं? क्योंकि lignous plants nitrogen को fix करता है, और soil की fertility increase हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसा है। इन विच फॉर्म डू द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्लांट लेता है, तो नाइट्राइट्स के फॉर्म में, यानी लिग्नस प्लांट जो होता है, जो राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।